हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे पोहा चिवड़ा। तो ये चिवड़ा जो होता है ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है ये चिवड़ा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 कप्स ऑफ पोहा लिया है। तो पोहा मैंने बिल्कुल थिन वेराइटी का लिया है। ये देखिए, बहुत ही थिन वेराइटी का पोहा है ये। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ली हैं। तो इसको स्पाइस अप करने के लिए हम ग्रीन चिली का यूज़ कर रहे हैं। जितना आपको तीखा पसंद है आप उसके हिसाब से ऐड कर लें। 1/4 कप मैंने यहाँ पर दलिया लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से होता है और इसको हमें रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/2 कप पीनट्स ली है, मूंगफली, और कुछ मैंने यहाँ पर कैश्यूज लिए हैं। आप इसके जगह पर दूसरे कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। आप रेजन्स भी यूज़ कर सकते हैं किशमिश, अगर आपको स्वीटनेस पसंद है चूड़े में तो। इसके अलावा मैंने कुछ करी लीव्स लिए हैं यहाँ पर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर अखा जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने राई लिया है, 1/4 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। सॉल्ट एज पर एज टेस्ट यूज करेंगे। और 2 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है, पाउडर कर लिया है चीनी को। और 1/4 टीस्पून हम हींग का यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये चूड़ा काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं ऑयल में और उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा फ्लेवर काफी एनहांस होता है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से पोहा चिवड़ा। तो सबसे पहले पोहे को आपने अच्छी तरह से इस तरह से छान लेना है। आप जैसे ही इसको छानेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी कचरा है, पाउडर है, वो इस तरह से नीचे आ जाएगा और इसमें जो भी गंदगी है वो भी क्लीन हो जाएगी। इसको आप धूप में भी सुखा सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, उसे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपके पास धूप की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आपने इसको गैस फायर पर धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम राई ऐड कर देंगे इसके अंदर, जीरा भी ऐड कर देंगे। जैसे ये अच्छी तरह से फूट जाए, इसके अंदर इसका सारा फ्लेवर ऑयल में रिलीज हो जाए, तो इसमें हरी मिर्चें हमने ऐड कर देंगी। हरी मिर्चों को भी हमने सेक लेना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए और सारा ऑयल में फ्लेवर जो है वो रिलीज हो जाना चाहिए। चिली इसका, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए वरना चूड़ा जो है वो जल्दी खराब होने का चांस रहता है। इसीलिए करी लीव्स ऐड कर देंगे, इसको भी हमने अच्छी तरह से सुखा लेना है। ये देखिए, जो पानी के छिटकने की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ बिल्कुल कम हो जानी चाहिए और बिल्कुल ड्राई सा हो जाना चाहिए ये। अब हमने इसके अंदर पीनट्स ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पर पीनट्स को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही पीनट्स के छिटकने की आवाज़ कम हो जाए और हल्का सा इसका कलर गोल्डन होने लगे, तब हमने इसमें ये पुटाना ऐड कर देना है। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। बिकॉज ये बारीक है तो ये जल्दी रोस्ट होगा, और जो हमने सेंग दाना लिया है वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने उसको पहले ऐड किया था ताकि वो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा रोस्ट करने के लिए। ये क्रंची अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, अगर इसमें क्रंचीनेस कम होगा तो चूड़ा खाने का मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए ये देखिए, जैसे ही हल्का सा गुलाबी होने लगे, आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो इसी समय हमने इसमें कैश्यूज भी ऐड कर देनी है। कैश्यूज को बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, मैंने एज अ होल ऐड किया है। आप पीसेज में कट करके या 2 पीसेज में करके भी उसको ऐड कर सकते हैं। और इसी समय हमने इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देनी है, तो हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ। हल्दी तेल में ऐड करने से चूड़े को कलर अच्छा आएगा। हींग हमने ऐड करना है ताकि ये बादी ना रहे। और सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसी वक्त, मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं पीनट्स को कलर बहुत अच्छा आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये चूड़ा जो है वो रोस्ट हो रहा है। बस यही ध्यान रखना है कि मॉइस्चर किसी भी चीज़ में न रहे। हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, जो भी आप ऐड करें सब ड्राई हो जाना चाहिए। तो अब हमने इसमें पोहा ऐड कर देना है। पोहे को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और आज मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत थोड़े क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप बहुत बड़े क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आप धूप दिखा सकते हैं ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें या तो आप उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है इस वक्त, और इसी समय हमने इसमें पाउडर चीनी भी ऐड कर देनी है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा रेड चिली ऐड करके इसको आप बना सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है।
और लो फ्लेम पर ही हम इसको चलाते रहेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि हमने इसको भुना नहीं था ना ही हमने पोहे को सुखाया है, तो उसको हमने अच्छी तरह से क्रंची कर लेना है, उसका पूरा मॉइस्चर इवेपोरेट होके वो क्रिस्पी सा हो जाए, तब तक हम इसको कंबाइन कर लेंगे इस तरह से और मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑलमोस्ट अभी अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है और ये जो पोहा है ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। अगर आप देखें तो ये देखिए तरह से ये तेल भी एब्जॉर्ब कर चुका है और ड्राई हो गया है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा भी दिखाई देने लगा है। तो ये इस वक्त अभी रेडी है, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर देना है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये और भी क्रिस्पी होगा। तो तैयार है पोहा चिवड़ा और आप इसको अगर खाकर भी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। आप इसको हाथ पर भी इस तरह से कर कर देख सकते हैं, ये देखिए ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं और अच्छी तरह से टूट रहे हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है पोहा चूड़ा और ये लग रहा है बहुत ही टेम्पटिंग, आप इसको जरूर बनाएं दिवाली पर और इसको आपने स्टोर कर लेना है एयर टाइट कंटेनर्स में अच्छी तरह से टाइट, जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तब तक आपने इसको स्टोर नहीं करना है। एक बार ये अच्छी तरह से कूल हो जाए उसके बाद आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरह से स्टोर कर लेना है, महीना से 1.5 महीना आप इसको खा सकते हैं और बहुत ही यमी चूड़ा जो है ये बनकर तैयार होता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।